हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आवर चैनल जिसका नाम है मास्टर्स एजुकेशन पॉइंट। और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे मार्केट, इसके टाइप्स और ऑर्गेनाइजेशनल मार्केट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। बात करें मार्केट की तो मार्केट एक प्लेस होता है जहां पर बायर्स और सेलर्स इकट्ठे होते हैं अपनी गुड्स एक्सचेंज करने के लिए। मार्केट दो टाइप्स की होती है, कंज्यूमर मार्केट्स और ऑर्गेनाइजेशनल मार्केट्स। कंज्यूमर मार्केट्स वो मार्केट होती है जहाँ पर इंडिविजुअल्स और हाउसहोल्ड गुड्स और सर्विसेज को बाय करते हैं अपने पर्सनल कंजप्शन के लिए। और ऑर्गेनाइजेशन मार्केट वो मार्केट होती है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन गुड्स बाय करती है अदर प्रोडक्ट्स के प्रोडक्शन में यूज़ करने के लिए और सर्विसेज बाय करती है अदर कस्टमर्स को सप्लाई करने के लिए या ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए। तो चलिए पढ़ते हैं इनके बारे में। मार्केट। ओरिजिनली द टर्म मार्केट स्टूड फॉर दी place where buyers and sellers gather to exchange their goods, such as a village bazaar. A market is a particular place where several shops or buyers or users may be located. For example, Connaught Place is considered a market in New Delhi. मार्केट का मतलब वो प्लेस होता था जहाँ बायर्स और सेलर्स इकट्ठे होते थे अपनी गुड्स एक्सचेंज करने के लिए, जैसे गाँव के बाजार। मार्केट एक पर्टिकुलर प्लेस होता है जहाँ कई शॉप्स, बायर्स और यूज़र्स को लोकेट किया जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कनॉट प्लेस को न्यू दिल्ली का बाजार माना जाता है। टाइप्स ऑफ मार्केट। मार्केट दो टाइप्स की होती है, कंज्यूमर मार्केट और ऑर्गेनाइजेशनल मार्केट्स। कंज्यूमर मार्केट्स। हेयर कंज्यूमर्स मीन ऑल द इंडिविजुअल्स एंड हाउसहोल्ड्स हु बाय गुड्स एंड सर्विसेज फॉर देयर पर्सनल और हाउसहोल्ड कंजप्शन। दस द कंज्यूमर मार्केट consists of all the individuals and households who buy or acquire goods and services for their own personal or household use. They buy strictly to satisfy their non-business personal needs and wants. For example, you purchase items such as toothpaste, soap, biscuits, sweet, etc. for your personal consumption or your family consumption. But when an individual or organization buys goods for resale or further production such as an individual or organization is not treated as belonging to the consumer market. यहाँ consumers का मतलब है individuals और household जो goods और services खरीदते हैं अपने personal और household consumption के लिए। इसलिए consumer market में वो सभी individuals और household include होते हैं जो goods और services को अपने personal और household use के लिए acquire करते हैं। वो गुड्स को अपनी नॉन बिजनेस पर्सनल नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए एक्वायर करते हैं, जैसे आप टूथपेस्ट, सोप, बिस्किट, स्वीट्स परचेज करते हैं अपने पर्सनल या फैमिली कंजप्शन के लिए। बट जब कोई इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन गुड्स परचेज करते हैं रीसेल या फर्दर प्रोडक्शन के लिए, तो वो इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन कंज्यूमर मार्केट से बिलोंग नहीं करते। ऑर्गेनाइजेशनल मार्केट्स। It is generally considered that business organizations engage in selling their products and services to their consumers. This is true, but they also buy vast quantities of raw materials, manufactured components, plants and equipment, and business services. Today, most of the large companies, in addition to selling their product to consumer market, sell to the other organization. The organization market comprises all the organizations that buy goods and services for use in the production of the other products and services that are sold or rented or supplied to other customers or used by themselves for running the organization. जनरली बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सेल करते हैं अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज कस्टमर्स को, यह सही है, बट वो भी बहुत बड़ी क्वांटिटी में रॉ मटेरियल्स, मैन्युफैक्चर कंपोनेंट्स, प्लांट एंड इक्विपमेंट और बिजनेस सर्विसेज परचेज करते हैं। आजकल ज़्यादातर बड़ी कंपनीज कंज्यूमर मार्केट्स में अपने प्रोडक्ट सेल करने के अलावा अदर ऑर्गेनाइजेशन को भी अपने प्रोडक्ट सेल करते हैं। बहुत इंडस्ट्रियल गुड्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज अपना ज़्यादातर प्रोडक्ट अदर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को सेल करते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल मार्केट में वो सारी ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड होती है जो अदर प्रोडक्ट्स के प्रोडक्शन के लिए गुड्स परचेज करती है और सर्विसेज परचेज करती है अदर कस्टमर को सप्लाई करने के लिए या अपने ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल मार्केट। ऑर्गेनाइजेशनल मार्केट के चार टाइप्स होते हैं, इंडस्ट्रियल मार्केट, रिसेलर मार्केट, गवर्नमेंट मार्केट एंड इंस्टीट्यूशनल मार्केट। इंडस्ट्रियल मार्केट। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड प्रोड्यूसर और बिजनेस मार्केट। It consists of all the individuals and organizations that buy or acquire goods and services that enter into the production of other products and services that are sold, rented or supplied to others. The major industries making up the organizational market are agriculture, forestry and fisheries, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, पब्लिक यूटिलिटीज़, बैंकिंग, फाइनेंस एंड इंश्योरेंस, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सर्विसेज। फॉर एग्जाम्पल, मारुति उद्योग परचेजेज लार्ज नंबर ऑफ रॉ मटेरियल्स, कंपोनेंट पार्ट्स एंड मशीनरी। आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ पैसेंजर cars, it sells to final consumers and organizations. इंडस्ट्रियल मार्केट को बिजनेस और प्रोड्यूसर मार्केट भी कहा जाता है। इस मार्केट में वो सभी इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशन आती हैं जो गुड्स एंड सर्विसेज एक्वायर करती है या बाय करती है, जो कि अदर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के प्रोडक्शन में लगी हुई है, जो कि दूसरों को बेची जानी है या सप्लाई की जानी है। मेजर इंडस्ट्रीज जिनसे ऑर्गेनाइजेशन मार्केट बना है वो है एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड फिशरीज, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, पब्लिक यूटिलिटीज़, बैंकिंग, फाइनेंस एंड इंश्योरेंस, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सर्विसेज। एग्जाम्पल के लिए मारुति उद्योग बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में रॉ मटेरियल्स, कंपोनेंट पार्ट्स और मशीनरी परचेज करती है और मैन्युफैक्चरिंग के बाद पैसेंजर कार्स के डिफरेंट ब्रांड फाइनल कंज्यूमर्स और ऑर्गेनाइजेशन को सेल करती है। रीसेलर मार्केट, इट कंसिस्ट ऑफ ऑल द इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस that acquire goods for the purpose of reselling or renting them to others at a profit. The basic activity of resellers, unlike industrial or business market, is buying products from manufacturing organization and reselling these products essentially in the same form to the resellers' consumers. Resellers also buy many goods and services for use in operating their businesses. Items such as office supplies and equipment, warehouses, material handling equipment, लीगल सर्विसेज एंड इलेक्ट्रिकल सर्विसेज। इस मार्केट में वो सभी इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड होते हैं जो गुड्स को एक्वायर करते हैं रिसेलिंग के लिए या प्रॉफिट पर रेंटिंग के लिए। ये रिसेलर्स मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन से प्रोडक्ट्स बाय करते हैं और इन प्रोडक्ट्स को सेम फॉर्म में रिसेलर कस्टमर्स को रीसेल करते हैं। रिसेलर्स भी अपने बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज बाय करते हैं, जैसे ऑफिस का मटीरियल और इक्विपमेंट, वेयर हाउसेज, मटीरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट, लीगल सर्विसेज और इलेक्ट्रिकल सर्विसेज। गवर्नमेंट मार्केट, द गवर्नमेंट मार्केट कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंटल यूनिट्स दैट परचेज और रेंट गुड्स फॉर कैरिंग आउट द मेन फंक्शंस of government. Government purchasing processes are different from those in the private sector of the industrial or business market. A unique feature of the government buying is the competitive bidding system. That is, the government agency advertises for bids using a standard format called a request for proposal or quotation that states specification for the intended purchase. Then it must accept the lowest bid that meets these specifications. An alternative to this system, the government may sometimes negotiate a purchase contract with an individual supplier. This system is used when government wants to purchase a specialized product that has no comparable products on which to base bidding specifications. गवर्नमेंट मार्केट सेंट्रल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंटल यूनिट से मिलकर बनती है जो गवर्नमेंट के मेन फंक्शंस फुलफिल करने के लिए गुड्स परचेज करती है या रेंट पर लेती है। गवर्नमेंट एजेंसीज भी ऑलमोस्ट सभी प्रोडक्ट परचेज करती है, जैसे क्लोथिंग, फर्नीचर, कंप्यूटर्स, व्हीकल, वीपन्स एक्सेट्रा। गवर्नमेंट की परचेजिंग प्रोसेस डिफरेंट होती है प्राइवेट सेक्टर से। गवर्नमेंट के खरीदने की प्रोसेस का एक फीचर है बिडिंग सिस्टम, मतलब गवर्नमेंट एजेंसीज बिड्स के लिए एडवर्टाइज करती है एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, जिसे रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल या कोटेशन कहा जाता है, जिसमें परचेज से रिलेटेड स्पेसिफिकेशंस होती है। इसका एक अल्टरनेटिव भी है। कभी कभी गवर्नमेंट एक इंडिविजुअल सप्लायर से भी नेगोशिएट कर लेती है, बट ये सिस्टम तब यूज़ होता है जब गवर्नमेंट कोई स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट परचेज करना चाहती हो और उसका कोई कंपेरेबल प्रोडक्ट ना हो जिसके बेसिस पर बिडिंग हो सके। इंस्टीट्यूशनल मार्केट, दिस इज़ ऑल्सो नोन एज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और नॉन बिजनेस मार्केट। दिस मार्केट कंसिस्ट ऑफ वेरियस नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन अदर दैन द गवर्नमेंट मार्केट। दिस इंक्लूड्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, हॉस्पिटल्स, नर्सिंग होम्स, religious institution etc. Many non-profit institutions have low budget and captive clienteles. For example, many universities, colleges and governmental hospitals work on funds provided by the government, and in most of the cases these are limited. इसे non-profit organization और non-business market के नाम से भी जाना जाता है। ये मार्केट बहुत सारे नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन से मिलकर बनी होती है। गवर्नमेंट मार्केट के अलावा इसमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन एक्सेट्रा इंक्लूड होते हैं। ज़्यादातर नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन के लो बजट और कैप्टिव क्लाइंटेल्स होते हैं, जैसे ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइडेड फंड्स पर रन करते हैं और ये फंड्स ज़्यादातर लिमिटेड होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल मार्केट। फर्स्ट इज फ्यूअर बायर्स। नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशनल बायर्स आर लेस इन नंबर कंपेयर्ड विद कस्टमर्स। Therefore, an industrial marketer normally deals with fewer buyers than does the consumer marketer. For instance, if a MRF, a leading tire manufacturing company, wants to sell its tire in the industrial market, it may concentrate on one of the big automobile manufacturing concerns. When the same company wishes to sell tires to consumers, it has to contact lakhs of vehicle owners. नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशनल बायर्स जो होते हैं वो कंज्यूमर्स के कंपैरिजन में कम होते हैं, इसलिए इंडस्ट्रियल मार्केटर कम बायर से डील करता है जितने बायर से कंज्यूमर मार्केटर डील करता है। एग्जांपल के लिए एमआरएफ, जो कि एक लीडिंग टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो अपने टायर्स को इंडस्ट्रियल मार्केट में सेल करना चाहती है, तो उसे कुछ बड़ी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न पर कंसनट्रेट करने की नीड है, और वही जब कंज्यूमर्स को सेल करना चाहती है तो उसे कई लाख व्हीकल ओनर से कॉन्टैक्ट करने की नीड है। लार्ज स्केल बायर्स। ऑर्गेनाइजेशनल बायर्स नॉर्मली रिक्वायर्ड लार्ज क्वांटिटीज ऑफ गुड्स वेयर एज पर्सनल कंज्यूमर्स रिक्वायर्ड स्मॉलर क्वांटिटीज। दस इंडस्ट्रियल बायर्स आर लार्ज स्केल बायर्स। इवन अमंग इंडस्ट्रियल बायर्स, अ फ्यू लार्ज बायर्स नॉर्मली अकाउंट फॉर मोस्ट ऑफ द परचेजिंग इन सच इंडस्ट्रीज एज ऑटोमोबाइल्स, टेलीफोन शॉप्स, सिगरेट, synthetic yarn etc. A few top manufacturers account for more than a substantial part of total production. Organizational buyers को normally goods की ज़्यादा quantity चाहिए होती है, जबकि personal consumers को कम quantity की need होती है, इसलिए industrial buyers large scale buyer होते हैं। Industrial buyers में कुछ large buyers ज़्यादातर purchasing करते हैं। Industries जैसे automobile, telephone shop, सिगरेट, सिंथेटिक यार्न, इनमें कुछ टॉप मैन्युफैक्चरर टोटल प्रोडक्शन का बहुत बड़ा पार्ट अकाउंट फॉर करते हैं। क्लोज सप्लायर कस्टमर रिलेशनशिप। विद दी स्मॉलर कस्टमर बेस एंड दी इम्पोर्टेंस एंड पावर ऑफ द लार्जर कस्टमर्स, इंडस्ट्रियल सेलर आर फ्रिक्वेंटली रिक्वायर्ड टू कस्टमाइज देयर ऑफरिंग्स, प्रैक्टिसेस एंड परफॉर्मेंस टू मीट दी नीड्स ऑफ इंडिविजुअल कस्टमर्स। स्मॉलर कस्टमर बेस और लार्जर कस्टमर की इम्पोर्टेंस के साथ इंडस्ट्रियल सेलर्स को इंडिविजुअल कस्टमर्स की नीड को फुलफ़िल करने के लिए अपनी ऑफरिंग्स, प्रैक्टिस और परफॉर्मेंस को कस्टमाइज़ करने की नीड है। प्रोफेशनल परचेजिंग। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हैव प्रोफेशनली ट्रेंड पर्सनल इन द परचेजिंग डिवीज़न। गुड्स आर परचेज बाय दीज स्पेशलिस्ट। देयर आर प्रोफेशनल जर्नल्स which provide information for the benefit of these professional buyers. Consumers, on the other hand, are less trained in the art of careful buying. ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन में प्रोफेशनली ट्रेंड पर्सन होते हैं। परचेज डिवीज़न में गुड्स इन्हीं स्पेशलिस्ट के थ्रू परचेज की जाती है। वहाँ पर प्रोफेशनल लोग होते हैं जो इन प्रोफेशनल बायर्स के बेनिफिट में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। दूसरी तरफ कंज्यूमर्स कम ट्रेंड होते हैं केयरफुल बाइंग में। मल्टीपल सेल्स कॉल्स। With the more people involved in the process, the sales representative or sales team from the industrial supplier are required to call many times before getting an order from an industrial buyer. A long period ranging from a few weeks to few months is required to get an order for major capital equipment from an industrial buyer. क्योंकि इस प्रोसेस में काफ़ी लोग इन्वॉल्व होते हैं, तो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव या सेल्स टीम को इंडस्ट्रियल बायर से ऑर्डर लेने के लिए काफ़ी कॉल्स करनी पड़ती है। एक ऑर्डर लेने के लिए काफ़ी टाइम लग जाता है, जो कि कुछ वीक से कुछ मंथ तक हो सकता है। डायरेक्ट परचेजिंग। ऑर्गेनाइजेशनल बायर्स ऑफन बाय डायरेक्टली फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स रैदर दैन थ्रू इंटरमीडियरीज, स्पेशली प्रोडक्ट्स दैट आर टेक्निकली कॉम्प्लेक्स और एक्सपेंसिव। ऑर्गेनाइजेशनल बायर्स जो होते हैं वो मैन्युफैक्चरर से डायरेक्टली परचेज करते हैं, ना कि इंटरमीडिएट्स के थ्रू, स्पेशली वो प्रोडक्ट्स जो टेक्निकली कॉम्प्लेक्स और एक्सपेंसिव होते हैं। रेसिप्रोसिटी। Organizational buyers often select suppliers who also in turn buy from them. For example, a paper manufacturer who buys chemical from a chemical company that is buying a considerable quantity of its paper. Even in this reciprocal buying situation, the buyer will make sure to get the supplies at a competitive price of proper quality and service. Organizational buyers ज़्यादातर उन suppliers को select करते हैं जो बदले में उनसे बाय करें, जैसे एक पेपर मैन्युफैक्चरर जो कि एक केमिकल कंपनी से केमिकल बाय करता है जो कि उससे पेपर परचेज करते हैं। इस रेसिप्रोकल बाइंग सिचुएशन में भी बायर को यह देख लेना चाहिए कि उसे मटेरियल सही प्राइस पर, प्रॉपर क्वालिटी में और प्रॉपर सर्विस मिल रही है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और ये लाल वाला बटन भी दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी कोई भी आने वाली वीडियो आप मिस ना कर पाएँ। और अगर आपका कोई टॉपिक है जिसमें आपको प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।